अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़ पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। तो दोस्तों, गैलेक्सी S21 लाइनअप फाइनली लॉन्च हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट खत्म हुआ और आपने देखा कि उसमें सैमसंग ने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स अनाउंस किए हैं। आप में से वो लोग जिनने हमें इस लाइव स्ट्रीम के लिए ज्वाइन किया, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फ्यूचर में भी प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा। तो इस अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग ने 3 नए फोन्स लॉन्च किए हैं, गैलेक्सी S21, S21 प्लस और गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। इसके साथ साथ उनने अपने गैलेक्सी बड्स प्रो भी लॉन्च किए हैं और सैमसंग के स्मार्ट टैग्स की भी बात की है। तो हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैमसंग ने अपने इस अनपैक्ड इवेंट में हमें क्या कुछ बताया। देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहले बात कर लेते हैं गैलेक्सी S21 लाइनअप की, जहां काफ़ी सारी नई चीज़ें दी गई हैं। इस बार सारे इनके S21 डिवाइसेस 5G इनेबल्ड हैं, सब में हाइपर फास्ट वाईफाई दिया गया है, नए 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स हैं, नए कैमरा फीचर्स हैं, नया एंड्रॉयड 11 विद 1 UI 3.1 और इस बार बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं दिया गया है। वेलकम टू 2021। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा फर्क हम देख रहे हैं वो है इन फोन्स की डिजाइन लैंग्वेज और लुक में। इसमें सबसे नोटेबल हैं इन फोन्स के नए कैमरा मॉड्यूल्स, जहां इस बार ऐसा लगता है कि मेटल की फ्रेम एक कोने से मेल्ट होकर पूरे कैमरा मॉड्यूल को कवर कर रही है। जहां माजी में रेक्टेंगुलर कैमरा बम्प्स होते थे, वहां इस बार का ये नया लुक मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। इस बार कुछ नए कलर्स भी हैं, जिनमें से ये फैंटम ब्लैक और फैंटम वायलेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके साथ साथ सारे फोन्स इस बार मैट फिनिश बैक के साथ होंगे। अगर फोन के साइजेस और डिस्प्लेस की बात कर ले तो गैलेक्सी S21 में पिछली बार की तरह ही 6.2 इंचेस का डिस्प्ले है, जबकि S21 प्लस के अंदर 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है और S21 अल्ट्रा में एक 6.8 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 1500 निट्स है और बकौल सैमसंग ये इनके गैलेक्सी फोन्स में अब तक का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है। सारे फोन्स में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मौजूद है और मैक्सिमम रेजोल्यूशन पहले की तरह ही 1440p क्वाड HD रखा गया है। इस बार S21 अल्ट्रा में आपको S पेन का सपोर्ट भी मिलता है, जैसा कि हमने रूमर्स में देखा था। सैमसंग ने इसमें वॉकॉम की टेक्नोलॉजी लगाई है और वॉकॉम इंडस्ट्री लीडिंग डिजाइन टैबलेट्स बनाता है। लेकिन यहाँ नोट लाइनअप से जो बड़ा फर्क है वो है इस S पेन की इम्प्लीमेंटेशन में। ये S पेन एक एक्सटर्नल सेपरेट केस का हिस्सा है, ना कि फोन के अंदर जैसे कि हमने नोट में देखा था। अब इस डिजाइन के साथ साथ जो दूसरा बड़ा फर्क है S21 लाइनअप में वो है इनके फोन्स के कैमरास में। तो इस बार लो लाइट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है, इम्प्रूव्ड सुपर स्टडी मोड दिया गया है। और अगर कैमरास की स्पेकशीट की बात कर लें तो दोनों S21 और S20 प्लस में इस बार भी ट्रिपल कैमरा सेटअप्स दिए गए हैं। तो 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मेन कैमरा, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और दोनों फोन्स में 10 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स दिए गए हैं, जबकि S21 अल्ट्रा के कैमरा में हम काफी बीफी किस्म के अपग्रेड्स देख रहे हैं। तो यहां आपको 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मेन कैमरा मिलता है विद लेजर ऑटो फोकस। नोट लाइनअप में फर्स्ट जेन था, इस वाले में सेकंड जेन है। 10 मेगापिक्सल के दो टेलीफोटो कैमराज हैं, जिसमें से एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है फॉर 10x ऑप्टिकल जूम और दूसरा रेगुलर टेलीफोटो कैमरा है फॉर 3x ऑप्टिकल जूम। बकौल सैमसंग इससे आपको पहले से बेहतर 100x पे जूम मिलेगा और इस फोन में एक जूम लॉक का भी फीचर दिया गया है, जिससे जूम करते हुए शेकीनेस कम होगी। और इन दो टेलीफोटो कैमरास के साथ S21 अल्ट्रा में एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, जबकि आगे वाली तरफ है एक 40 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। और इसके साथ साथ S21 अल्ट्रा में इस बार आप 12-bit HDR और सारे कैमरास से 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो ले सकेंगे। अगर आगे बढ़कर बात करें इन फोन्स की स्पेसिफिकेशंस की, तो अगेन टॉप ऑफ द लाइन किस्म की स्पेकशीट है, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेज में। तो यहाँ आपको जैसे कि पहले बताया 5 नैनोमीटर के चिपसेट्स हैं, तो इंटरनेशनली स्नैपड्रैगन 888, जबकि पाकिस्तान में एक्सिनोस 2100 चिपसेट मिलेगा। S21 और S21 प्लस में 8GB रैम होगी, जबकि S21 अल्ट्रा में आपको 12 और 16GB के रैम वेरिएंट्स मिलेंगे। अगर स्टोरेज की बात करें तो S21 और S21 प्लस में 128GB और 256GB के स्टोरेज वेरिएंट्स होंगे, जबकि S21 अल्ट्रा में 128, 256 और 512GB के स्टोरेज वेरिएंट्स होंगे, ऑल UFS 3.1, जो इस वक्त की वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टोरेज टाइप्स है फोन्स की दुनिया में। इसके साथ साथ सारे फोन्स में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। सारे फोन्स में आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगाया गया है, जबकि इस बार S21 और S21 प्लस की बैक प्लास्टिक की है और S21 अल्ट्रा की बैक पे गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है। और सारे फोन्स में इस बार
एल्यूमिनियम फ्रेम्स दी गई हैं। अगर आगे बढ़ के बात करें बैटरी साइजेस की, तो S21 और S21 अल्ट्रा दोनों में इनके प्रेडिसेसर्स जैसी ही बैटरीज लगाई गई हैं। तो S21 में 4000 मिलियम पावर की है और S21 अल्ट्रा में 5000 मिलियम पावर की है, जबकि S21 प्लस में हम एक बीफियर बैटरी देख रहे हैं। पिछली बार 4500 मिलियम पावर थी, इस बार S21 प्लस में 4800 मिलियम पावर की बैटरी दी गई है। सारे फोन्स में 25 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बॉक्स में कोई चार्जर नहीं आएगा, तो ये चार्जर आपको बाद में खुद से खरीदना पड़ेगा। और सारे फोन्स में वायरलेस चार्जिंग, फास्ट वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सब कुछ मौजूद है। तो ये तो हो गया हमारा S21 लाइनअप का रिकैप। ऑफकोर्स जब ये फोन्स मार्केट में गिरेंगे तो हम इनकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इनके रिव्यूज भी आपके लिए लाएंगे। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ सैमसंग ने अपने गैलेक्सी बर्ड्स प्रो की भी बात की। ये इनके नए वायरलेस ईयरबड्स हैं, इसमें भी हमने कुछ अपडेट्स देखे हैं। बर्ड्स प्रो में जो बड़ा अपडेट है वो है कि इनके अंदर इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन डाली गई है, जो कि जब आप इनको इस्तेमाल कर रहे होंगे और आप किसी से बात करना शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपकी नॉइस कैंसिलेशन को एडजस्ट करेंगे ताकि आप सामने वाले की बात सुन सकें, और जब आपकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी तो वो फिर आपकी नॉइस कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली वापस ज्यादा कर देंगे ताकि आपको बाहर का शोर ना सुनाई दे। इसके साथ साथ IPX7 वाटर रेजिस्टेंस है, बेहतर बेस ड्राइवर्स और बेहतर ट्वीटर्स लगाए गए हैं फॉर बेटर साउंड क्वालिटी, और इनमें ऑटो स्विचिंग भी डाली गई है। तो अगर आप एक सैमसंग डिवाइस से दूसरे सैमसंग डिवाइस पे कुछ करने जाते हैं तो वो डिटेक्ट करके दोनों के बीच में स्विच करेगा ताकि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर हो सके। सैमसंग ने इस बार अपने इकोसिस्टम पे बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने अपनी अनपैक्ड इवेंट में भी इकोसिस्टम की बात की, और यही चीज हम देख रहे हैं कि ये बर्ड्स प्रो भी लॉन्च हुए हैं। इसके साथ साथ सैमसंग ने इस बार स्मार्ट टैग्स भी लॉन्च कर दिए हैं, जो कि ब्लूटूथ लो एनर्जी को इस्तेमाल करके ऑफलाइन डिवाइसेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो चाहे आपकी चाबी है या आपका बैग है, आप उस पर ये स्मार्ट टैग लगा के अपने फोन के जरिए ही अपनी चीजें ट्रैक कर सकेंगे। तो अब अगर बात कर लें S21 लाइनअप की प्राइसेस की, तो गैलेक्सी S21 की प्राइस रखी गई है 1,70,000 रुपए, गैलेक्सी S21 प्लस की प्राइस है 1,95,000 रुपए, जबकि गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की प्राइस है 2,30,000 रुपए। प्री ऑर्डर शुरू हो रहे हैं 15 जनवरी 2020 को, और अगर आप ये फोन्स प्री ऑर्डर करते हैं तो गैलेक्सी S21 और S21 प्लस के साथ आपको गैलेक्सी बर्ड्स लाइव और गैलेक्सी के स्मार्ट टैग मिलेगा, जबकि गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के प्री ऑर्डर के साथ आपको गैलेक्सी बर्ड्स प्रो का एक पेयर मिलेगा। तो ये था हमारा सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट का रिकैप। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी होगी जो रेलेवेंट थी। अगर गैलेक्सी S21 लाइनअप या बर्ड्स प्रो या स्मार्ट टैग्स के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस या थॉट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।